जी, पिछली वीडियो में हमने दो अननोन वेरिएबल्स के साथ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। उसमें हमने ये बात की थी कि अगर हमारे पास तीन अननोन वेरिएबल्स हों तो हमें एटलीस्ट तीन इक्वेशंस चाहिए जिनमें वो तीनों अननोन वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, ताकि हम लोग उन वेरिएबल्स का आंसर फाइंड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, देर आर थ्री अननोन वेरिएबल्स और मेरे पास तीन ही इक्वेशंस हैं जिनमें ये तीनों अननोन वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। हम लोग इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। आप देखें, पहला वेरिएबल, फिर दूसरा वेरिएबल, फिर तीसरा वेरिएबल, और फिर इक्वेशन की दूसरी साइड पे नॉट ज़ीरो, इक्वेशन की दूसरी साइड पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही होती है। इस केस में कांस्टेंट वैल्यू इज डी, यानी कि चौथा कांस्टेंट डी है। तो हम लोग यहाँ से ए बी सी और डी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल और इक्वेशन की दूसरी साइड पे कांस्टेंट। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से मेरा ए क्या निकलेगा जी, फर्स्ट इक्वेशन से मेरा ए निकलेगा वन, बी वन, सी जो थर्ड वेरिएबल के साथ आ रहा है, थर्ड वेरिएबल के साथ भी वन आ रहा है, और डी मेरा निकलेगा क्या जी, सिक्स, राइट। देन सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, टू एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, जी बिल्कुल, इसकी तरतीब बिल्कुल ठीक है, और इक्वलिटी की दूसरी साइड पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से मेरा ए क्या निकलेगा जी, यहाँ से मेरा ए निकलेगा टू, बी माइनस वन, सी थ्री, एंड डी क्या निकलेगा जी, फोर, राइट। जब हम तीसरी इक्वेशन की बात करते हैं तो तीसरी इक्वेशन भी मेरी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो यहाँ से मैं ए निकाल सकता हूँ, ए मेरा निकलेगा फोर, बी आएगा फाइव, सी आएगा माइनस टेन और डी आएगा थर्टीन। अब मैंने ये इन्फॉर्मेशन कैलकुलेटर पे पुट करनी है, इसके लिए कैलकुलेटर पे जाते हैं, मॉड का बटन प्रेस करते हैं, इक्वेशन नंबर फाइव में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास नंबर टू ऑप्शन में ए एक्स प्लस बी वाई सी जेड इज इक्वल टू डी आ रहा है। तो मैं ऑप्शन टू प्रेस करूँगा तो वो मुझसे पूछेगा ए बी सी, डी उसने पूछा ही नहीं, नहीं बिल्कुल डी भी उसने पूछा है, अगर आप गौर से देखें तो वो स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पे साइड पे आ रहा है। तो फर्स्ट का ए वन होता है, और बी क्या है जी, वन है, सी क्या है जी, वन है, और डी क्या है, सिक्स है। जैसे आप इक्वल टू प्रेस करेंगे वो आपसे सेकेंड इक्वेशन की इन्फॉर्मेशन पूछना शुरू कर देगा, टू माइनस वन, थ्री, फोर। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन की जो आंसर्स हैं वो हैं फोर, फाइव, माइनस टेन, एंड व्हाट इज डी, डी इज थर्टीन इक्वल टू। देन एक और दफ़ा आप इक्वल टू प्रेस करेंगे वो आपको कहेगा एक्स दो है, y 3 है और z 1 है। तो x, y और z के आंसर्स उसने आपको निकाल के दे दिए, राइट। सिमिलरली अगर आप इस एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल में भी फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल कांस्टेंट दूसरी तरफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड कांस्टेंट दूसरी तरफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो ये भी बड़ा सीधा सा ही क्वेश्चन था। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि a है जी 1 पहली क्वेश्चन के लिए, b है माइनस 1, b है माइनस 1, c है माइनस 5 और डी है 4। दूसरी क्वेश्चन के लिए ए है 2, बी है माइनस 3, सी है माइनस 3 ये वाला, और जेड है 3। तीसरी क्वेश्चन के लिए ए है 3, माइनस 2, माइनस 7 एंड 2, और आप ये वाली वैल्यूज इंसर्ट करके ए एक्स वाई और जेड का आंसर निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ क्वेश्चन पी क्यू और आर, तीन वेरिएबल्स हैं पी क्यू और आर, ये भी पी क्यू आर है, ये भी पी क्यू आर है और ये भी पी क्यू आर है। तो यहाँ से आप सिंपल वैल्यूज निकाल सकते हैं, तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। सबसे पहले पहला वेरिएबल आ रहा है, फिर दूसरा वेरिएबल, फिर तीसरा वेरिएबल, और इक्वालिटी की दूसरी तरफ हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा जी, ए आएगा 1, बी आएगा 2, सी आएगा माइनस 1 और डी आएगा जी 12। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे क्या है जी 1, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2 और ये क्या है जी 5। तीसरी इक्वेशन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे P के साथ क्या है 3, Q के साथ क्या है माइनस 1, R के साथ क्या है 1 और कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है 4। तो हम लोग अगर दोबारा कैलकुलेटर ओपन करें तो AC का बटन प्रेस करें, दोबारा से वो मुझसे वैल्यूज़ पूछेगा। इसके लिए मुझे क्लियर करना पड़ेगा सारी मेमोरीज, जैसे ही मैंने क्लियर कर ली मॉड 5 और फिर उसके बाद 2, x की वैल्यूज पुट करनी है 1, 2, देन माइनस 1, देन 12, देन 1, 1, 2, 5, 3, माइनस 1, 1 एंड 4। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जैसे आप इक्वल टू प्रेस करेंगे वो आपको कहेगा कि इस इक्वेशन में x यानी कि जो पहला वेरिएबल है उसका आंसर है 3,
दूसरे का 4 एंड z का -1। तो हम लोग कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू -1, राइट। इसकी मज़ीद प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं और इसमें देखिए, और फिर इसको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।